नक्षत्र, तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल, और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक महाभाग्यशाली राशियां। 26 मार्च 2019 मंगलवार का दिन है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, जिसे एकनाथ छठ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत श्री एकनाथ जी का प्रागट्य हुआ था। अनुराधा नामक नक्षत्र जो कि दोपहर 11:27 तक उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की यदि हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो गुड़ खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव मीन राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, मंगल वृषभ राशि में, बुध कुंभ राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शुक्र कुंभ राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मेष, वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर और मीन, इन 8 राशि वालों को होगा अचानक फायदा। धन लाभ होगा, रुका हुआ पैसा इनको प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र में इनकी उन्नति हो सकती है, साथ ही इनकी आमदनी में वृद्धि होने वाली है, इनकी सैलरी भी बढ़ सकती है। तो मित्रों, कुल मिलाकर के देखा जाए तो इन 8 राशि वालों के दिन सबसे अति उत्तम रहेगा। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।